आई होप ये निखिल ही हो। कौन है मानसी? देखिए इंस्पेक्टर, आपसे कुछ जरूरी सवाल करने हैं। मनीम, ये लोग यहाँ ऐसे कैसे? इतनी रात को किसी के घर में आकर पूछताछ करने का वारंट है आपके पास? कब तक ये नाटक करेगा लकी? देख, कानून हमारे साथ है, तू हमें सब कुछ सच बता। क्यों कर रहा है ये सब? तुझे क्या जरूरत है अभिमन्यु बनने की? मुझे कुछ भी बनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ही अभिमन्यु हूँ। और ये बात मैं आखिरी बार समझा। लकी, मुझे नहीं पता तेरी क्या मजबूरी है, लेकिन लेकिन क्या वारंट है? नहीं है? गेट आउट नाउ। इंस्पेक्टर साहब, ये सही कह रहे हैं, हम बिना किसी वारंट के कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि शोहरत ने ऐसा क्या किया कि तू इतना मजबूर है, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि इसमें यह अकेली नहीं है। स्वरा का दोस्त निखिल भी इसके साथ है। मैंने और स्वरा ने उसे सच्चाई जानने की कोशिश भी की थी, लेकिन निखिल, नमस्कार भाई, रुक जा। अगर आगे बढ़ेगा ना तो सही में से नीचे। देख लकी, अब हमें निखिल के बारे में पता करना है, तो चल हमारे साथ अभी। जाइए आप लोग यहां से। आई सेड गेट आउट। मिशु बेटा, मैं यही, मैं कहीं नहीं गया, आप परेशान मत हो। ओके, चलो अंदर चलो। चलो बेटा जाइए। फिर से आ गए ना? हाँ, पर मैंने उन्हें भगा दिया। चल जाओ। ठीक है पापा। से निकल कौन है? ओह गॉड, लक्ष्य को निखिल के बारे में भी पता चल गया, अब क्या होगा? बस आज रात की बात है, कल सुबह तक सब क्लियर हो जाएगा। हाँ बेटा, संस्कार, ये लक्ष्य का पासपोर्ट और पैन कार्ड जैसा तुमने कहा था। जी संस्कार, मैं सोच रहा हूँ कहीं हमने गलती तो नहीं की लक्ष्य को निखिल के बारे में बता के, कहीं रातों रात कहीं इस बात का तोड़ ना ढूंढ ले।
नहीं बाबा, संस्कार ने जो किया बिल्कुल सही किया। लक्ष्य हम सबसे झूठ बोल सकता है कि वो भी मनी हुई, पर उसके फिंगरप्रिंट्स का क्या? उसे कैसे छुपाएगा हम सबसे? सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हमें भी लगता है इस बार हम जीत जाएंगे, पर निखिल ने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? उसकी क्या वजह हो सकती है? होता है रागिनी, कभी कभी हम अपनों पर यकीन नहीं करते। लेकिन गैरों को अपना समझ बैठते हैं, ऐसे में धोखा होता है। ये निखिल कौन है मानसी, और उसके बारे में तुमने इससे पहले मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया? वो अब, अरे इसमें बताने वाली कोई बात तो थी ही नहीं। निखिल मेरा दोस्त है और वो कोलकाता में सिर्फ हमारी हेल्प कर रहा है। मानसी, अगर वो मेरा सच जानता है तो तुम्हें मुझे ये बात तो बतानी चाहिए ना, पर वो स्वरा और संस्कार के साथ क्यों इन्वॉल्व है? अरे वो सब कुछ इतना जल्दी में हुआ ना, अब बट ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। वो निखिल सौरा का फ्रेंड है ना, इसीलिए वो उन लोगों को जानता है। और तुम्हें पता है हमारा ये राज तुम्हारे परिवार के सामने ना खुले, इसलिए निखिल ने अपनी जान दांव पे लगा के वो वहाँ से भाग गया। एंड ट्रस्ट मी, वो सिर्फ हमारी मदद कर रहा है। तुम्हारा यहाँ होना ही मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है लक्ष्य, लेकिन तुम्हारी ये खामोशी मुझे बहुत डरा रही है। तुम जानते हो कि मिश्का की जिंदगी तुमसे जुड़ी, तुम ये भी जानते हो कि जरा सा भी स्ट्रेस होता है तो उसकी जान पे भी बात आ सकती है। पापा, मिश्का, एक मिनट, मैं देखता हूँ। सोचा तो था कि तुम्हें खत्म करने के बाद मैं निखिल और मिश्का हमेशा हमेशा के लिए ये देश छोड़ के कहीं बाहर चले जाएंगे, लेकिन इस निखिल ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। मिश्का, पापा, मिश्का, पापा, रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। क्या हुआ? पापा, मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए। कैसा प्रॉमिस मिशु? कि आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। मिशु, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ओके, चलो गुड नाइट। ये बिल्कुल सही कहा तुमने, एक महीने तक तुम्हें कहीं जाना भी नहीं, और यही तो प्लान है मेरा, क्योंकि मिश्का की जिंदगी से जिस दिन जाओगे अपनी जान से जाओगे, और हम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर। अब ये प्लान मुझे हर हाल में पूरा करना है, निखिल के साथ या निखिल के बिना।
अकेली आई? तुम्हारा पति कहाँ है? मालकिन सर, वो हमारे पति ने ना कुछ काम पूरे करने थे, तो बस मैंने अकेले जाने को बोल दिया। ठीक है, तो मिश्का के रूम में जाओ और जब तक मैं ना कहूँ उसे बाहर मत आने देना, ठीक है? जी मालकिन सर। को आज इसी वक्त यहीं खत्म करते हैं। हम यहां वारंट बिना नहीं आ सकते ना? ये लो। मुझे नहीं पता तेरी क्या मजबूरी है जो तू ये सब कर रहा है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तू मेरा भाई है और आज मैं तुझे वापस लेकर ही जाऊंगा। लाडू, या दूध पी, वरना थारी आंटी को ना थारी माँ से डांट खानी पड़ेगी। ठीक से? ओके। अच्छा लाडू, सन्ने पता है ये सब ये हो रहा है घर में? हमारा मतलब ये कौन लोग हैं जो बार बार तेरे माँ पापा से मिलने आ रहे हैं? तुम्हें उस दिन भी कहा था ना मैंने कि 6 महीने पहले तक तूने तेरे पापा को देखा ना था? नहीं आंटी, क्योंकि तब हम लोग कनाडा में थे और पापा तो वहाँ थे ही नहीं। पर निखिल पिछले 15 साल से कनाडा में रह रहा है और आज ही इंडिया लौटा है। कनाडा? एग्जैक्टली, मैं और मानसी भी ये खेल खत्म करना चाहते हैं, इसलिए मैंने पहले ही अपने एरिया की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। ये पासपोर्ट, ये पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट साबित कर देंगे कि ये लक्ष्महेश्वरी है, कोई अभिमन्यु खन्ना नहीं। मेरा पासपोर्ट, मेरा पैन कार्ड, इन्होंने जो आपको ये डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं वो इनके बेटे लक्ष्मणेश्वरी के। और ये हैं मेरे यानी अभिमन्यु खन्ना के पेपर्स हैं। इंस्पेक्टर, ये सारे पेपर्स जल्दी वेरीफाई करा के मंगाओ। जी सर। ठीक है, ये लो, इसे वेरीफाई करा के लाओ। मान लेते हैं कि आप हमारे लक्ष्य नहीं हैं, इनके बेटे नहीं हैं। लाखिनी, चले जाते हैं हम सब यहाँ से। थैंक यू सो मच, प्लीज। पर एक सबूत अभी भी बाकी है। कौन सा सबूत? अपनी शर्ट उतारिए। हाउ डू यू? पागल हो गई? मेरे सामने मेरे पति से शर्ट उतारने की बात कर रही, और तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसा करने दूँ? तुम्हारे सामने, इन सबके सामने? क्यों, प्रॉब्लम क्या है?
ये उनकी माँ है, ये उनके पिता है और हम ये तुम्हारे पति नहीं है। हमारे कहने का मतलब था कि ये दोनों उनके माँ पिता के उम्र के ही है और बाकी सारे मर्द हैं। अगर आपको हमारे देखने से कोई दिक्कत है तो हम पीछे मुड़ जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप इट, बहुत तमाशा हो गया। ये सब कुछ करके क्या प्रूफ करने की कोशिश करने जा रही हो तुम? हाँ गॉड, अभिमन्यु कैसे लोग हैं, इनसे कहो कि अभी कभी यहां से चले जाएं। क्यों, इतनी क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? हम बस देखना चाहते हैं कि हमारे पति के दाहिने कंधे के नीचे एक बर्थ मार्क है, क्या वो बर्थ मार्क आपके कंधे के नीचे भी है या नहीं? बस वही निशान देखना है, वो निशान सब सच साबित कर देगा। इसमें आप इतना घबरा क्यों रही है? रागिनी जी सही बोल रही हैं। आपको अपना बर्थ मार्क दिखाना होगा। तुम लोग अभी अभी हिंदुस्तान आए हो। वैसे लाडो, जब तुम्हारे पापा आए थे तो तुम्हारी माँ ने कुछ बताया था कि वो तुम्हारे पापा है या नहीं? आंटी, पापा ने खुद बताया कि वो मेरे पापा है। पर आंटी, आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नाना लाडो, कोई दिक्कत ना है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तो ना ये जो काम कर रही है ना वो अच्छे से खत्म कर, मैं तुम्हारे वास्ते कुछ खाने को लेकर आती हूँ, ठीक है? ओके। इससे पहले कि कोई मुझे देखे मुझे ऐसा निकलना होगा। I just hope ये लोग जल्दी से प्रूव कर दे कि वो लक्ष्य है। देखा, हमने कहा था ना, अब आपके पति के कंधे के नीचे बर्थ मार्क है या नहीं हम नहीं जानते, पर हमारे पति के कंधे के नीचे मार्क है। अब तो घर चलो बेटा, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जी नहीं, इंस्पेक्टर ये कोई बर्थमार्क नहीं है। आज से 6 महीने पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, कील चुभ गई थी, इस वजह से ये चोट लगी। बस कीजिए लक्ष्य, बस बहुत हो गया, बंद कीजिए ये सब प्लीज। इंस्पेक्टर, ये है मेरी रिपोर्ट्स। शायद अब तुम्हें यकीन हो जाए। कोइंसिडेंस, ये सब तो आपने सुना ही होगा क्योंकि पूरी कहानी कोइंसिडेंस ही है और कुछ नहीं। अगर और कोई सबूत चाहिए हो तो बता दीजिए, और ऐसा क्या करूं मैं कि आप लोगों को यकीन हो जाए कि मैं लक्ष्य नहीं हूं। सर, हमें ये रिपोर्ट उस डॉक्टर से क्रॉस चेक करनी होगी जिसने केस हैंडल किया था। ओके। हाँ, कराइए प्लीज। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब जी, थैंक यू। मिस्टर खन्ना? वो मिस्टर खन्ना नहीं है। मिस्टर महेश्वरी, ये रिपोर्ट भरोसेमंद है क्योंकि डॉक्टर ने इसे कंफर्म किया है।
ये नहीं हो सकता, ये सब डॉक्टर की मिलीभगत है। मिसेज महेश्वरी, डॉक्टर शांतनु दत्ता इस शहर के पुराने और काबिल डॉक्टर हैं। भला वो गलत रिपोर्ट क्यों देंगे? हमारे पास एक और तरीका है। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप अपने फिंगरप्रिंट्स देंगे? क्योंकि तुम झूठ बोल सकते हो, वो डॉक्टर झूठ बोल सकता है, लेकिन ये फिंगरप्रिंट्स ये झूठे नहीं हो सकते।